दाऊद का करीबी हाफिज सईद का नजदीकी। पहली बार दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में अब्दुल करीम टुंडा। वो टुंडा जिसे हिंदुस्तान की पुलिस 28 साल से तलाश रही थी। वो टुंडा जो होम्योपैथी की दवा देते देते लश्कर का आतंकी बन गया। वो टुंडा जो चुटकी बजाते ही चीनी से बम बना देता है। वो टुंडा जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक बम बनाने का गुरु ज्ञान देता है। वो टुंडा जो बांग्लादेश में 5 साल तक मरा हुआ माना गया। 40 धमाकों का गुनहगार वो अब्दुल करीम टुंडा क्यों एक बार फिर हिंदुस्तान आया? टुंडा के गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। टुंडा 40 लोगों की मौत और 400 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को जख्मी करने का मुजरिम है, जिसे देश के करीब हर राज्य की पुलिस को तलाश थी। पिछले 28 साल से टुंडा बेगुनाहों को निशाना बना रहा था और आईएसआई की मदद से पाकिस्तान में बेफिक्र रह रहा था, लेकिन अब दाऊद का टुंडा पकड़ा गया है। टुंडा कौन है, उसके गुनाह क्या क्या है, इस सरकारी कागज में सब कुछ लिखा है। जितनी टुंडा की उम्र है उससे भी ज्यादा अपराध किए हैं टुंडा ने। करीब 3 दशक से वो देश के खुफिया एजेंसियों और पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस तलाश में थी, इसके लिए इसकी पूरी पहचान लिखी गई थी। चेहरे पर दाढ़ी जिसमें मेहंदी लगाता था और चश्मा लगाता था, रंग गेहुआ, दाहिना हाथ पंजे समेत कटा हुआ। मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, हैदराबाद पुलिस, यूपी पुलिस, सबको इसकी तलाश थी। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट, दिल्ली में धमाके का मुजरिम है टुंडा। वो 1993 में मुंबई में जो सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उसमें ये शामिल है, उसमें वांटेड है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट 1997 और 1998 में जो ब्लास्ट हुए थे, और इसके अलावा सीरियल बॉम्बिंग्स हुए थे जो उत्तर प्रदेश में और हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, पंजाब में लुधियाना, हैदराबाद, कई जगहों पे के जो केसेस हैं उसमें ये वांटेड है। टुंडा देश के नौजवानों को आतंकी बनाने का काम करता था, साथ में टुंडा बम बनाने का भी माहिर है। टुंडा अपने बमों में पोटाशियम क्लोरेट और सल्फ्यूरिक एसिड और चीनी का इस्तेमाल करता था। आतंकवादियों को वो तोहफे में भी यही केमिकल दिया करता था। दिल्ली के मेहरौली में फटे बम में इन्हीं दो केमिकलों का इस्तेमाल हुआ था। टुंडा को इन दोनों केमिकल से इस कदर लगाव था कि उसने जलीस अंसारी और अजीम गौरी जैसे कई आतंकवादियों को इन्हें तोहफे में भेंट किया था। टुंडा ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद में 70 से ज्यादा धमाके इन केमिकल से इसी पैटर्न पर किए थे। ये यंग इंडॉक्ट्रिनेटेड जो मुस्लिम यूथ हैं उनको ट्रेन करता है और उनको आईडी बनाना सिखाता है। इसने जो आईडी बनाने का जो तरीका इसने निकाला, यूरिया, नाइट्रिक एसिड, पोटासियम क्लोराइड, नाइट्रोबेंजीन और सुगर, इन सबको मिलाकर के ये बम बनाता है। मुंबई 2611 का भी गुनाहगार है वो टुंडा। कराची में लश्कर के साथ बैठकर टुंडा ने भारत में आतंकी हमले की साजिश को अंजाम दिया। टुंडा पाकिस्तान भाग गया था और मैं वहीं पे रह करके और एलईटी के साथ मिलकर इंडिया में टेररिस्ट अटैक करवा रहा था। उसके पास से एक पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसका नंबर है AC44131161 जो कि 23 जनवरी 2013 को इशू किया गया था इन द नेम ऑफ अब्दुल कुदूस, ये उससे बरामद हुआ। दिसंबर 1996 से लेकर जनवरी 1998 तक कई धमाके कराए। दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, जालंधर के बम धमाकों में आरोपी है। 2611 हमले के डोजियर में भी उसका नाम था। उस पर कुल 33 क्रिमिनल केस चल रहे हैं। इंडिया से भाग करके ढाका बांग्लादेश पहुंचा और वहां पे भी कई जिहादी एलिमेंट्स को उसने बॉम्ब बनाना सिखाया। उसके बाद वो पाकिस्तान भी गया
और वहां पे भी कई लश्कर ए तौबा द्वारा आयोजित कई वहां के यंग यूथ को उसने आईडी बनाना सिखाया।